ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करें। हे गाइस, दिस इज सोमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे ही इजीली जोमेटो फेशियल कैसे कर सकते हैं। ये फेशियल बहुत ही इजीली आप घर पे कर सकते हैं, आपको पार्लर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इस फेशियल को बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट की जरूरत है, जो कि आपकी स्किन किचन में इजिली अवेलेबल मिल जाता है, और बहुत ही इजी स्टेप से आप बहुत ही जल्द भी इस फेशियल को कम्प्लीट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक द वीडियो। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ टोमेटो पल्प की ज़रूरत है। आप टोमेटो को पूरा ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड कर लीजिएगा, और नहीं तो आप कोई भी ग्रेटर यूज़ कर सकते हैं। आप सॉस यूज़ मत कीजिएगा, मैं टोमेटो सॉस की बात कर रही हूँ। आपको फ्रेश टोमेटो की ज़रूरत है। टोमेटो क्लेंजर लगाने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से स्टीम कर लीजिएगा। स्टीम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टीम कर लेंगे अपने फेस को तो अपने जो फेस की पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, तो हम जो भी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है, तो स्टीम करना मत भूलिएगा। तो मैं अभी अपने फेस पर टोमेटो क्लेंजर अच्छे से मसाज कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक आपको मसाज करना है, फिर आप इसे अच्छे से वेट टॉवल से पोंछ लीजिएगा। टोमेटो में विटामिन ए बी सी है, जो कि आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स ब्लेमिशेस को फेड करने में मदद करता है। विटामिन बी स्किन से रिंकल्स एंड फ्रिकल्स को रिड्यूस करके हेल्दी न्यू सेल्स को प्रोड्यूस होने में मदद करता है। विटामिन सी कोलाजन बूस्ट करके स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए टोमेटो, मैंने यहाँ पे काट दिया है थोड़ा सा टोमेटो, और चाहिए आपको नमक। तो मैं ये टोमेटो को थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा पोक कर लूँगी। आप फोक की मदद से भी ये पोक कर सकते हैं ताकि जूस अंदर से निकल जाए, ये देखिए। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अभी इसे अपने मैं अपने फेस पे एज अ स्क्रब यूज़ करूँगी। जैसे मैं ये पे स्क्रब कर रही हूँ वैसे ही आपकी स्किन में से स्क्रब करना है, लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा एक्ने प्रोन हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप टी जोन पे इस स्क्रब को अप्लाई कर ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं डालना है स्किन में, बहुत ही माइल्डली आपको स्क्रब करना है अपने स्किन में। सॉल्ट यानी नमक पोर्स को डीपली क्लीन रखता है, स्किन की ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस रखता है, इसकी वजह से ब्रेकआउट्स एक्नीस कम होते हैं। स्क्रबिंग के बाद आप अपने फेस को अच्छे से धो लीजिएगा। टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए गुलाब जल, मैं डाबर का गुलाब जल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इस कप में गुलाब जल ले लिया है, तो मैं यहाँ पे 1 या 2 टेबल स्पून तक गुलाब जल यूज़ कर रही हूँ। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मैं अभी ऐड करूँगी टोमेटो पल्प, मैं 2 टीस्पून तक टोमेटो पल्प ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टी ट्री एसेंशियल ऑयल, ये मैं ज़्यादातर हर जगह पे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है। मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप्स तक एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिला लूँगी। इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर आप कोल्ड कोल्डली इसे आप फेस पे अप्लाई कीजिएगा। मैं इस टोनर को फ्रिज में रखा था तकरीबन 1 घंटा तक, फिर मैं इसे अपने स्किन में अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई स्प्रे बॉटल में भी इसे रख सकते हैं, मैं कॉटन की मदद से ये अपने स्किन में अप्लाई कर रही हूँ। टोमेटो एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है, जो कि स्किन से लार्ज पोर्स को कम करके स्किन को टाइटन रखता है। इस टोनर को आप अपने फेस पे मिनिमम 5 मिनट तक रखने दीजिएगा, फिर आप इसे वेट वाइप से पोंछ सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी इसे आप रख दीजिए, इसी के ऊपर ही आप पैक लगा सकते हैं। पैक बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा, रिफाइंड फ्लोर या आटा भी आप ले सकते हैं, आप बेसन भी ले सकते हैं, मुझे बेसन सूट नहीं करता है इसलिए मैं यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। और आपको चाहिए फ्रेश टोमेटो पल्प, और आपको चाहिए गुलाब जल और हनी। अब पहले मैं टोमेटो पल्प इसमें ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे 1 फुल टेबल स्पून तक मैदा लिया है,
और फिर मैं यहाँ पे 2 टीस्पून तक पल्प लिया है, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी हनी। मैं यहाँ पे 2 टीस्पून तक हनी यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप देख रहे हैं कि ये हनी के साथ ही मिक्स हो गया है अच्छे से, तो आपको गुलाब जल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो फेस पैक आपका रेडी हो गया है, ये ऑल स्किन टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। पैक मेरा रेडी हो गया है, अभी मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। टोमेटो में पोटाशियम, मैग्नीशियम है जो कि स्किन की एजिंग प्रोसेस को स्लो करके स्किन को हाइड्रेट, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रखता है। ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा स्किन से सन टैन को हटा के स्किन की कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर भी है। ये नेचुरली स्किन से डेड सेल को दूर करके स्किन को सिल्की स्मूथ और ग्लोइंग बना देता है। हनी में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है जो कि एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। शहद एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट भी है जो कि स्किन से सन टैन को दूर करके स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइटन कर देता है। इस पैक को आप अपने फेस पे 15 से 20 मिनट्स तक रखने दीजिए, फिर इसे आप कोल्ड वाटर से, ध्यान रखिएगा, इसे आप कोल्ड वाटर से ही वॉश कीजिएगा। मैंने मेरे फेस को कोल्ड वाटर से वॉश कर लिया है। मुझे मेरी फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सपल लग रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरी स्किन में हाथ देने में, और डेड सेल्स भी सारी रिमूव हो गई हैं, और आप मेरी स्किन देख ही सकते हैं। फिलहाल मेरी स्किन में अभी कुछ भी नहीं लगाया है। तो कैसा लगा आपको ये फेशियल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके आंसर जरूर करूंगी। मैंने ऑलरेडी ये फेशियल किया है, शायद आप मेरे फेस में ग्लो देख सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा तो आपको भी बहुत ही अच्छा ग्लोइंग स्किन मिलेगा, और आपकी जो टैन की प्रॉब्लम है ये भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आप इस 4 स्टेप्स में कोई भी एक स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी ये टैनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आपकी स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग और यूथफुल लगेगा। और ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो आपके फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो का, मैं कुछ भी बताना हो तो। और आप आगे चल के और भी अच्छे नए वीडियोस देखने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री गाइस, और यहाँ पे मेरे पॉपुलर वीडियोस आ रहे हैं, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, गॉड ब्लेस यू, टाटा।